अपन कहू के 10 सेंटीमीटर बाजूवाड़ी पॉइंट 5 ओम अवरोध धरावती एक चौरस लूप पूर्व पश्चिम समतल में उभी राखवा मा आई है। तो आ समतल में उभी लूप राखवा मा आई है जो पूर्व पश्चिम दिशा में जेनी लंबाई 10 सेंटीमीटर है अवरोध 0.5 ओम है। पॉइंट 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र समतल पर उत्तर पूर्व दिशा में राख्यू है। तो उत्तर पूर्व एटले आ डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है। आ डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है। समतल आम पड़ू है तो समतल ना क्षेत्र सदीश आ डायरेक्शन में हे, चुंबकीय क्षेत्र आ डायरेक्शन में हे। तो बे वच्चे खूणों 45 डिग्री मळशे। चुंबकीय क्षेत्र 0.7 सेकंड में घटाड़ी और 0 कर दी है। तो पहला चुंबकीय क्षेत्र बी जेटलू हे और पची ए घटाड़ी और 0 कर देवामां आवशे। तो ईएमएफ अने प्रवाहना मूल्य चेक करवाना छे। अहींया आप्युं छे लखीए तो लंबाई आपी छे लूपनी 10 सेंटीमीटर एटले 0.1 मीटर। तो एनो एरिया थशे 10^-2 मीटर स्क्वेर। हवे आना पछी अहींया आपणे जोईए तो मैं तमने आगळ वात करी ए प्रमाणे आनो क्षेत्र सदिश आ डायरेक्शनमां हशे, चुंबकीय क्षेत्र आ डायरेक्शनमां हशे। तो बे वच्चेनो खूणो 45 जोवा मळशे जे अहींया बतावे छे। हवे एना आधारे पहेला तो आपणे फ्लक्सनी वात करीए तो चुंबक प्रारंभिक फ्लक्स केटलू हशे तो एन बी ए कोस थीटा हशे। तो एन तो आटानी संख्या तो एक छे एटले बी ए कोस थीटा लखाय, कोस 45 हशे। तो बी नी किंमत 0.1 छे, एरिया आपणे 10^-2 लख्यू, कोस 45 1/√2 थाय। तो आटला वेबर आपणने प्रारंभिक फ्लक्स मळ्यु। छेल्ले घटाडीने शून्य करी देवामां आवशे एटले माटे अंतिम फ्लक्स 0 थशे। तो अंतिम फ्लक्स 0 लख्यू छे। हवे प्रेरित ईएमएफ એટલે 0.7 સેકન્ડ માં પ્રેરિત ઈએમએફ ની વાત આવશે તો ડેલ્ટા 5/ડેલ્ટા ટી છે। હવે ડેલ્ટા 5 એટલે 5^2 - 5^1। તો આપણે ચલો માનાંકમાં વેલ્યુ છે એટલે 5 - 0 લખી દઈએ તો બી ચાલશે, ડિવાઇડેડ બાય ડેલ્ટા ટી। હવે આ થશે જે આપણે 0.1 × 10^-2 એટલે 10^-3 થઈ જાય ભાગ્યા √2 અને ડેલ્ટા ટી થશે 0.7। તો આપણને 1 મિલીવોલ્ટ આન્સર મળશે। હવે પ્રવાહની વાત થશે તો આપણને આર આપ્યો છે અને ઈએમએફ મળી ગયો છે। તો પ્રવાહ આઈ બરાબર ઈ અપોન આર, ઈ થશે 1 મિલીવોલ્ટ એટલે 10^-3 થઈ જશે અને આર થશે 0.5 એટલે 2 મિલી એમ્પિયર પ્રવાહ મળે।